काफी लोगों का मानना होता है कि प्यार और जंग में सब जायज है। जंग की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे सिर्फ प्यार की। क्या प्यार में सब कुछ जायज है? सच में आप अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी करें, इसमें कुछ गलत नहीं है? क्या हर तरीके का प्यार सही होता है? क्योंकि प्यार प्यार होता है। आज करेंगे इसी बारे में बात डिटेल में। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए माय फ्रेंड, ये कह देना कि जिसे हम प्यार करते हैं उसको पाने के लिए कुछ भी कर लो या प्यार में कुछ भी कर लो, कुछ भी गलत नहीं होता, ये सबसे बड़ी गलत चीज है। अगर आप मान लीजिए किसी ऐसे इंसान को प्यार करते हैं जो किसी और का है, वहां तक ठीक है क्योंकि आपका दिल उस पर आ गया। जब प्यार किसी से होता है तो हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि सामने वाला इंसान मैरिड है या अनमैरिड है। ठीक है, अगर आपका प्यार किसी मैरिड पर भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप उस मैरिड इंसान को पाने के लिए उसकी गृहस्थी में आग लगा दें तो क्या ये जायज है? आप किसी की अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद कर दें क्योंकि आप उस इंसान को अपनी जिंदगी में चाहते हैं, आप उसे प्यार करते हैं, तो क्या ये जायज है? नहीं, ये जायज नहीं है। क्योंकि प्यार का नाम अपने बारे में सोचना नहीं होता, प्यार का नाम होता है सामने वाले के बारे में सोचना, उसकी खुशी का ध्यान रखना। वो इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आप एक तरफा किसी के पीछे पागल हो गए हैं, अब आप चाहते हैं कि वो सब कुछ खराब करके आपके साथ में आ जाए, तो ये चाह ठीक नहीं। अगर वो इंसान खुश है तो उसको छोड़ दीजिए, उसके साथ में उसके साथ वो रहना चाहता है। दूसरा केस, मैनी टाइम ऐसा होता है कि भाई आपका दिल आ गया आपके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड पर या फिर आपके फ्रेंड के बॉयफ्रेंड पर। अब आपको लग रहा है कि यार इसे तो मैं प्यार करता हूं, इसे तो मुझे पाना है, तो क्या ये जायज है? नहीं, क्योंकि ये तो धोखा हुआ ना। आप अपने दोस्ती में अगर ऑनेस्ट नहीं है, वो भी तो एक तरह का प्यार है। जब एक तरह का प्यार आप ऑनेस्टी से नहीं निभा सकते तो आप दूसरा प्यार कैसे निभाएंगे? और इस प्यार को प्यार नहीं बोलेंगे, इसको सेल्फिश होना बोलेंगे, इसको छीनना बोलेंगे। ऐसे में आप क्या करते हैं? आप उस लड़के को या फिर उस लड़की को जिस पर दिल हार बैठे हैं उसको भरते हैं उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ। नेगेटिव चीजें बोलकर, उल्टा सीधा बोलकर आप कोशिश करते हैं कि वो इंसान अपने प्यार को छोड़ दे, और फिर आप उसे हमदर्दी वाला कंधा देते हैं और उसका दिल जीतते हैं, और ऐसा अक्सर होता है। सो ये क्या जायज है? बिल्कुल भी नहीं है। ये प्यार जायज नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, प्यार में ये जायज नहीं है। तीसरी चीज ये भी होती है अक्सर कि जब आपका दिल किसी पर आता है ना, और वो इंसान किसी और के साथ बंधा हुआ है लेकिन खुश नहीं है, तो वहां पर आप उसके साथ में जुड़कर उस चीज का, उसके बिगड़ते हुए रिश्ते का फायदा उठाते हैं। आप क्या करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उनके दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं है, तो आप उनके बिगड़े हुए रिश्ते को और बिगाड़ देते हैं, उनको ठीक करने की कोशिश नहीं करते। आप वहां पहुंच जाते हैं अगेन अपना कंधा लेकर समझाने के लिए, ताकि वो इंसान ये समझे कि आप कितने कमाल के इंसान हो, वो आपके तरफ झुक जाए। तो क्या ये जायज है प्यार में? ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। अगर आप किसी को ट्रूली प्यार करते हैं ना, और अगर वो इंसान किसी और के साथ में है जिससे उसके रिश्ते खराब होने लगे हैं, तो उस खराब रिश्ते को छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर उसकी जिंदगी में कोई नहीं है तो आज नहीं तो कल अपना रिश्ता खुद सुधार लेगा। बट आप अपने बारे में सोचते हैं और उसके पास पहुंच जाते हैं, आप क्या करते हैं, आप ड्रामा करते हैं उसके रिश्ते को ठीक करने का, लेकिन डीप डाउन आप ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उस इंसान को आपसे प्यार हो जाए। ये आपका सेल्फिश बिहेवियर है जो कि नहीं होना चाहिए, प्यार में ये जायज नहीं है। एक और चीज जो होती है प्यार में कि आप किसी के पीछे पागल हो गए, आपने उसको प्रपोज किया, उसने मना कर दिया कि भाई देखो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे आगे पढ़ाई करनी है, या फिर मुझे तुम पसंद नहीं हो, या फिर मेरी लाइफ में कोई और है, कुछ भी कह के वो आपको क्लियरली मना करता है। बट क्योंकि आप हो, आपको ये चीज छिलती नहीं है, आप उसके पीछे पड़ जाते हो, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, आप सोचते हो इसको बर्बाद ही कर देना है, क्योंकि प्यार में सब कुछ जायज है। मैं प्यार करता हूं, अगर ये मेरी नहीं तो किसी की नहीं। ऐसे सरफिरे लोग होते हैं जो प्यार के नाम पर उसको ही बर्बाद करने पे तुल जाते हैं। तो क्या ये जायज है? नहीं है। ये
चीजें मैंने बताई है ना, ये सब प्यार नहीं, आपकी पागलपंती है, आपकी बेवकूफी है। जो सिनेमा आपके दिमाग पे चढ़ गया है ना, वो है आपकी इनमेच्योरिटी है। मैच्योर लव कभी भी ऐसा नहीं होता। मैच्योर लव का मतलब यही होता है कि आप किसी को समझो, उसकी फीलिंग्स समझो, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करो। अगर वो किसी और के साथ में खुश है तो खुश है, वो आपसे नहीं जुड़ना चाहता तो उसकी चॉइस है। प्यार में कभी भी जबरदस्ती नहीं होती, ईगो नहीं होती, नफरत नहीं होती, किसी को पाने की जिद नहीं होती, सिर्फ प्यार ही होता है जिसमें कोई भी सेल्फिश फीलिंग नहीं है। सो प्यार में कुछ भी जायज नहीं है। चक्कर में आपने प्यार को बर्बाद कर रखा है, समाज को खराब कर रखा है, तो इस सोच को थोड़ा सा खत्म करने की जरूरत है इस पॉइंट पर। प्लीज आगे से कभी मत सोचना कि प्यार में कुछ भी जायज है। जंग की बात कभी और करेंगे, उससे लेना देना हमारा है नहीं, तो क्यों ही करनी है। जंग में क्या जायज है क्या नहीं उसके बारे में आई रियली डोंट नो। आपको क्या पता है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी चलिए फिर मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ में। बट वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज आपको प्लीज बताना चाहूंगी कि अगर आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसके रिगार्डिंग आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाउ मैं विदा लेती हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।